हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7 और इसका होगा पार्ट नंबर 1। इसके पहले 6 यूनिट आप लोग का कंप्लीट करवा दिया गया है। पिछले क्लास में यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर करवाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूनिट नंबर 7। ठीक है, यूनिट नंबर 7 से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें हम समावेशन के बारे में समझेंगे। जो भारतीय समाज में समावेशन है, अपवर्जन है, उसके बारे में समझेंगे, जाति के बारे में समझेंगे, उसकी विशेषता के बारे में समझेंगे, समाज में लिंग केंद्रीकरण है ना, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका यूनिट होने वाला है। सामाजिक वर्ग के प्रकार समझेंगे, सामाजिक वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, कौन से वर्ग हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे कि कोई बच्चे शारीरिक विकलांगता होता है, ठीक है, या फिर कोई श्रवण दोष युक्त छात्र होते हैं, ठीक है, दृष्टि दोष युक्त छात्र होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, दिव्यांगता के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यूनिट नंबर 7 होने वाला है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और इसका फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, अधिगम असक्तता भी दोस्तों हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि अफेजिया होता है, अलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, अप्रेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिस्थेमिया होता है, है ना, डिसकैलकुलिया होता है। और ये अधिगम असक्तता से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको एक से दो क्वेश्चन वहां से पूछता ही पूछता है आपका। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पिछड़े बालक के बारे में हम लोग समझेंगे, उसकी क्या विशेषताएं होती है। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये यूनिट होने वाला है। 2 से 3 पार्ट में आपका यूनिट नंबर 7 होगा, जिसमें हम लोग शुरू में तो इसका थ्योरी देखेंगे और थ्योरी को समझते हुए चलेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को करवा देंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा इसका, उसके अलावा आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा। तो ये वीडियो आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहीं से सवाल पूछा जाएगा, तो इसको पूरा देखना आपको बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। डेली आपकी क्लास हो रही है रात्रि में 9 PM से और न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। आपको 1 अप्रैल 2024 से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें यूनिट नंबर 1 से हम लोग देखेंगे और सामान्य अध्ययन भी उसमें करवाया जाएगा। ठीक है, डेली 9 बजे से आपकी क्लास होती है। जो नया बैच है उसमें कैसे जुड़िएगा, उसमें पीछे जो अभी क्लास चल रही है ये भी वाला मिल जाएगा दोस्तों, और नया जो आपकी क्लास होगी 1 तारीख से वो आपको स्टार्टिंग से आपको मिलते रहेगा। इसमें मात्र दोस्तों 399 मात्र इसमें आपको फी है, और जो नए टीचर हैं उनको जुड़ने के लिए 399 चार्ज लगेगा। जो पुराने शिक्षक हैं अगर नए बैच में जुड़ना चाह रहे हैं तो उनका मात्र 201 रुपीज़ पे करना होगा, और ये ऑनलाइन पे करना होगा, फोन पे गूगल पे के माध्यम से। ये नंबर आपको दिया गया है, जो भी लोग पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप जरूर कर देना है, ताकि आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, जहाँ आपको ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा, और वहीं पर आपको क्लास का लिंक भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, सारा चीज़ नोट्स भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, और भी जो इन्फॉर्मेशन होगा सारा आपको वहीं पर मिलते रहेगा। तो आज का चैप्टर है भारतीय समाज में समावेशन एवं अपवर्जन। तो पहली बार आपको लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। प्रधान शिक्षक से संबंधित इसका टेस्ट है, और अभी तो ये थ्योरी चल रहा है, इसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर ये दोस्तों आपका 7 है। चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास, सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग, है ना, आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो कह रहा है कि भारतीय समाज में अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों। अपवर्जन का मतलब होता है बहिष्कार। देखिए, हमारे समाज में ना, हमारे समाज में खास करके हमारे देश में दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, और यहाँ बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, है ना, बहुत सारे धर्म में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, और यहाँ पर उस आधार पर बहिष्कार भी किया जाता है। ऐसे तो अब इसका कम होता है ना, अब हमारे समाज में ऐसे ये सब चीज़ काफ़ी कम गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाता है कहीं कहीं ये बहिष्कार वाली बातें। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि सामाजिक अपवर्जन यानी कि बहिष्कार जो है, ये सामाजिक भेदभाव का ही एक रूप है ना, ये भेदभाव का ही रूप है, जो है ना, जो लोग है वो कुछ लोग से साथ भेदभाव किया जाता था, है ना, अब अभी भी कहीं कहीं होता है, लेकिन खैर अब तो बहुत कम गया है। कह रहा है समाज में यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग एक निश्चित सामाजिक वर्ग
श्रेणी समूह से संबंधित होने के आधार पर अपने समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से पूरी तरह या आंशिक रूप से बाहर कर दिए जाते हैं, है ना। जैसे कोई लोग हैं उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है, उनको वंचित कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को तो कहते हैं उसके भेदभाव करना। अगला इसमें आगे कह रहा है कि भारतीय समाज में सामाजिक बहिष्कार जो होता है दोस्तों, ये किस आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है, जातीयता के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, लिंग के आधार पर होता है, असक्तता के आधार पर भी होता है, है ना। ये सभी चीजें क्या है? तो ये मतलब कि भेदभाव का ये रूप है, है ना। जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उच्च जाति का, निम्न जाति का, ठीक है, धर्म के आधार पर भी होता है, लिंग के आधार पर भी होता है, ठीक है, असक्तता के आधार पर भी होता है। कोई कुछ बच्चे, है ना, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उस रूप में भी कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलता है। आगे है कि सामाजिक अपवर्जन की आखिर क्या विशेषताएं हैं, है ना। सामाजिक जो ये भेदभाव जो हो रहा है इसकी विशेषताएं कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में सामाजिक बहिष्कार की विशेषताएं निम्न है। पहला है कि इसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित सामाजिक श्रेणियां इसमें शामिल है, जिसमें सामाजिक सहभागिता को आकार देने वाले सांस्कृतिक विचारों, मूल्यों और मानदंडों का समावेश होता है। दूसरा है कि वह सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित होता है। तीसरा है कि यह लोगों के अधिकारों एवं हितों को प्रभावित करता है तथा इन्हें अवसरों से वंचित करता है, जिन्हें प्राप्त करने और जीवन की सार्वभौमिक स्वीकार्य स्थिति बनाए रखने और अपनी क्षमता को पूरी करने की आवश्यकता इसमें होती है। सामाजिक अपवर्जन की ये विशेषताएं हैं। अगला है कि सामाजिक अपवर्जन के आखिर कारण क्या है, है ना। सामाजिक जो भेदभाव हो रहा है इसका कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है कि परंपरागत स्वरूप से, जी हाँ, ये तो खैर हमारे समाज में परंपरा से चलते आ रहा है, खैर अब कम इसमें हुआ है, लोग शिक्षित थोड़े से हो गए हैं, है ना। कह रहा है कि इस परंपरागत रूप से भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित होता है, है ना, जिसमें ऊंच नीच होता है, छुआछूत होता है, गैर बराबरी की भावना प्रेरित है। इसके आधार पर समृद्ध एवं संपन्न वर्ग समाज में कथित उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों, वंचितों, शोषितों, निवास स्थान, विद्यालय इत्यादि में सामाजिक अपवर्जन कर दिया जाता है ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है, है ना। चलिए आगे कह रहा है कि यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात एवं संविधान के लागू होने के 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ है, होते ही इन प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, हमारे संविधान के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, अगर इस प्रकार का होता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन फिर भी हमारे समाज में अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज हो रहा है। तथापि इन प्रवृत्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है अभी तक दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारतीय समाज में समावेशन, भारतीय सामाजिक समावेशन की अधिकांश परिभाषाओं के मूल में जीवन के सभी पक्षों में पूर्ण सहभागिता की अवधारणा निहित है। सहभागिता अति महत्वपूर्ण है, यह उपयोगी है सामाजिक गतिविधियों न केवल पहुंच होने, यद्यपि उनको संलग्न करना तथा सामाजिक तंत्र बनाने एवं कायम करने हेतु सम्मिलित होने को इंगित करती है। सहभागिता अन्य लोगों, समुदाय, संस्थान के प्रति उत्तरदायित्व की समझ को बनाती है तथा निर्णयों को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट है, आगे कह रहा है कि यदि समाज समावेशी है, इसका अर्थ है निःसक्तता को समझना, है ना। समाज हमारा कैसा होना चाहिए दोस्तों? समावेशी होना चाहिए, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। समावेशी का अर्थ वही होता है ना। कह रहा है कि इसका अर्थ है कि निःसक्तता को समझना, स्वीकारना तथा सम्मान करना, है ना, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना, ठीक है, चाहे वो निःसक्त हो या फिर नीच, मतलब निम्न जाति का हो या फिर कोई भी हो, है ना, तो उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। यह न केवल विविधता की मान्यता देता है अपितु इसे सम्मिलित करता है, ताकि विविधतापूर्ण समाज का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में पूर्ण संभावना को प्राप्त कर सके। ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जैसे समुदाय समाज के प्रति समग्र रूप से अपनेपन की समझ प्रत्येक सदस्य में होती है। इसके विपरीत बहिष्कार समाज की मुख्य धारा में पूर्ण सहभागिता हेतु पहुंच की कमी परिणाम की प्रक्रिया एवं स्थिति है। समावेशन को बहिष्कार द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, समावेशन को बहिष्कार के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। समावेशन को दो समान प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है,
जैसे आगे कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में निःशक्त लोगों के समावेशन का थोड़ा सा इतिहास यहाँ पर कह रहा है कि वैदिक काल में हमारे पास अष्टावक्र का उदाहरण है जो दीर्घकालिक एवं गंभीर अस्थि विकलांगता से ग्रस्त थे, है ना। अष्टावक्र नाम ही था एक व्यक्ति जो क्या थे, दीर्घकालिक थे और गंभीर क्या थे दोस्तों, अस्थि इनमें मतलब हड्डी विकलांगता से ग्रसित थे, है ना। जो लोगों की योग्यता एवं निशक्तता के भेदभाव के बिना सभी के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण विद्वान हो गए थे, है ना। अष्टावक्र काफी विद्वान थे। आगे है कि शारीरिक शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 1992 के पश्चात नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों की समेकन गति को प्राप्त किया गया है। भारतीय समाज में हाशिए के लोगों का समावेशन एवं अपवर्जन, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारतीय समाज में हाशिए के लोगों को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें कौन कौन है, तो हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं जैसे दिव्यांगजन, है ना, तो ये है। अब इसके बारे में आगे कह रहा है कि हाशिए का समाज किसी समाज की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत इस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त नहीं होते, सामाजिक असमानता कहलाती है। प्रत्येक समाज में उपलब्ध सामाजिक संसाधन तथा पूंजी को तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो भौतिक संपत्ति एवं आय के रूप में आर्थिक पूंजी हो गया, दूसरा है प्रतिष्ठा एवं शैक्षिक योग्यता के रूप में सांस्कृतिक पूंजी, और तीसरा है सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में सामाजिक पूंजी। आगे कह रहा है कि किसी भी समाज में पूंजी में इन तीनों रूपों में पारस्परिक परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के क्रमिक विकास द्वारा समाज में संस्तरण भी परिवर्तन होता है रहता है। सामाजिक असमानता का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है। हाशिए के समाज के अंतर्गत निम्न तत्वों का वर्गीकरण किया जा सकता है। विभेदीकरण की प्रक्रिया समाज में भिन्नता के अनेक स्वरूपों को निश्चित करती है। प्रमुख समाजशास्त्रियों ने इस स्वरूपों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। देखिए, जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँगा थोड़ा सा विस्तार से, लेकिन ये मैं देखिए सीधा पढ़ते चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा, है ना। लेकिन बस एक बार इसको रीडिंग दे देते हैं ताकि आप इसको सुन लें, है ना। आगे है कि वर्ग विभेदीकरण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षा हो गया, धन हो गया, व्यवसाय हो गया, संपत्ति आदि के आधार पर समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं। जी हाँ, हमारे समाज में बहुत प्रकार के वर्ग हैं, है ना। जैसे शिक्षा, कोई शिक्षित वर्ग है, है ना, कोई धनी वर्ग है, व्यवसायिक वर्ग है, है ना, तो ये बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कह रहा है कि जिनके बीच में पर्याप्त क्या है, भेद है, बहुत सारा भेद चलते रहता है। उदाहरण के लिए आर्थिक आधार पर निर्धन और धनी वर्ग, है ना, सामाजिक सम्मान के आधार पर उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बांटा गया है। व्यवसाय के आधार पर क्लर्क वर्ग, डॉक्टर वर्ग, शिक्षित वर्ग, व्यापारिक वर्ग के रूप में इसको बांटा गया है। ये सब सामाजिक विभेदीकरण के रूप ही तो है, है ना। ये सब क्या है, हमारे समाज का विभेदन है जिसको क्या करना चाहिए, मिटाना चाहिए दोस्तों। इस आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों वर्ग विभेदीकरण, है ना, बहुत सारे हमारे समाज में वर्ग में बांटा गया है। अगला जो है वो है धार्मिक विभेदीकरण, ठीक है। वह धार्मिक विभेदीकरण में कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था के अतिरिक्त धर्म के आधार पर भी समाज में अनेक विभेद होती है, है ना। धर्म के, कोई हिंदू कह रहा है कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कह रहा है मुस्लिम धर्म के हैं, कोई कह रहा है सिख धर्म के हैं, कोई कह रहा है ईसाई धर्म के हैं। हर संपूर्ण संसार में दोस्तों, यहाँ तक कि एक देश में ही अनेक धर्मों का प्रचलन होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, है ना, इस्लाम धर्म, अनेक धर्म यहाँ क्या है, प्रचलित है, ठीक है। इतना ही नहीं, एक धर्म के अंतर्गत अनेक उपशाखाएँ भी हैं। अब हिंदू धर्म में ही कई प्रकार के कास्ट है कि नहीं। इन धर्मों और इनकी उपशाखाओं के आधार पर ही भारत में अनेक धार्मिक समूहों का अस्तित्व बन गया है, जिनको धार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके आधार पर ही समाज में क्या होता है, विभेद होता है, है ना, जिसको क्या करना चाहिए, हमें मिटाना चाहिए। आगे है डेहरेनडॉर्फ, है ना, डेहरेनडॉर्फ की असमानता की अवधारणा, ये कोई मनोवैज्ञानिक है। असमानता के इतिहास का वर्णन करते हुए डेहरेनडॉर्फ का मत है कि 18वीं सदी में असमानता की उत्पत्ति प्रमुख बिंदु था। 19वीं सदी में वर्गों के सामाजिक निर्माण पर बहस होती थी और आज यानी कि 20वीं और 21वीं सदी में हम सामाजिक स्थिरीकरण
स्तरीकरण के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि मूल समस्या बनी हुई है, परंतु इसके लिए एक नई सोच ढूंढी जा सकती है, है ना। डेहरेडॉर्फ का निम्न कथन महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि खराट चालक और नल फीटर सेना का जनरल सर्जेंट कुलीन बालक और श्रमिक बालक, बुद्धिमान और अबुद्धिमान, ये सभी क्या है, असमानता जोड़े हैं, है ना। ये सभी क्या है, एक है खराट चालक है दोस्तों, एक कह रहा है नल फीटर है, एक सेना में है, एक सेना का जनरल है, और एक क्या है सर्जेंट है, एक कुलीन बालक है और एक क्या है परिश्रमी बालक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक अबुद्धिमान है। ये क्या है, सभी असमानता के क्या है जोड़े हैं, है ना। जैसे कि उच्च और नीच, है ना, उच्च जाति का और नीचे जाति में लोग क्या होता है, असमानता होता है, और कम से कम दो संदर्भों में इनमें अंतर करना होगा। प्रथम, हमें प्राकृतिक योग्यता और सामाजिक पद स्थानों पर आधारित असमानताओं के बीच अंतर करना चाहिए, और द्वितीय, हमें उन असमानताओं में अंतर करना चाहिए जिनमें मूल्यांकन परक श्रेणी व्यवस्था नहीं होती है और जिनमें होती है। इन दो उपागमों के मिश्रण के आधार पर डेहरेडॉर्फ ने चार प्रकार की असमानता का उल्लेख किया है। व्यक्ति के संदर्भ में ये है शारीरिक लक्षणों, चरित्र और हितों में प्राकृतिक अंतरों का प्रकार, और बुद्धि, कौशल और ताकत में श्रेणी के प्राकृतिक अंतर। इसी प्रकार समाज के संदर्भ में ये है असमानता, समान श्रेणी के पद स्थानों का सामाजिक विभेदीकरण और प्रसिद्धि और वदौलत पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण, जिनको सामाजिक परिस्थितिकी की श्रेणी व्यवस्था द्वारा दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जाति के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इसी चीज को देखना है दोस्तों, है ना, जो समाज में हमारा विभेद हो रहा है प्रत्येक धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है। तो कह रहा है जाति के बारे में कि जाति जो है दोस्तों, ये पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है ना, कास्ट, जाति का इंग्लिश क्या होता है, कास्ट, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। लैटिन भाषा में कास्टस यानी कि विशुद्ध अनुवंशिक जाति शब्द संस्कृत भाषा के जाति से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्मा, है ना। पुर्तगाल के ग्रेरिया डी ओरेटा ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में इस शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था। अब देखिए, जाति की उत्पत्ति का पता कब लगा, 1665 में लगा, है ना, इस शब्द का, है ना, और कौन लगाया था, तो ये पुर्तगाली व्यक्ति था, ग्रेरिया डी ओरेटा, तथा इस शब्द का प्रयोग भारत के उन लोगों के लिए किया जिसे जाति के नाम से पुकारा जाता है। बाद में फ्रांस के अब्बे डुबॉय ने इस शब्द का प्रयोग जाति के संदर्भ में किया, लेकिन सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य जी एस घुरिये द्वारा किया गया, और उन्होंने बताया कि जाति इंडो आर्यन संस्कृतियों के मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा यमुना के दोआब में जन्मा है, पला है, बढ़ा है, और यहीं से पूरे भारत में फैलाया गया है। जी एस धुरिये के अनुसार जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, और प्रत्येक जाति एक नाम और अपनी एक जीवन शैली होती है ना। हर एक जाति का कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग होता है, और आपस में भोजन एवं सहवास पर प्रतिबंध रखते हैं। साथ ही साथ जाति एक अंतर्विवाही परिवारों का एक समूह है जो शुद्ध अशुद्ध के विचारों को मानता है। इसलिए लुइस ड्यूमा ने जाति का मुख्य धारा केवल पवित्रता और अपवित्रता को माना है। अब देखिए, जाति के बारे में कितनी विस्तार से यहाँ पर चर्चा की दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे है कि जाति की आखिर क्या विशेषताएं, चलिए देखते हैं जाति की विशेषताएं। कह रहा है कि जी एस धुरिये ने अपनी पुस्तक, तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, जी एस धुरिये ने अपनी ये पुस्तक, इसकी पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ठीक है, याद रखना है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति के संरचनात्मक व संस्थात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए जाति की छह विशेषताएं बताई है। किसने, तो जी एस धुरिये ने जाति की छह विशेषताएं बताई है। वो छह विशेषताएं आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन संस्तरण है, दूसरा
और आगे है कि भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, नागरिक धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, विवाह संबंधी प्रतिबंध है ना, अंतर्विवाही। तो ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 क्या है बताया गया किसके द्वारा, जीएस धुरिए के द्वारा, विशेषता दोस्तों जाति की। आगे है कि वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति का सार तत्व माना है, यह ध्यान रखना है। ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था में खान पान एवं छुआछूत के नियम को जाति की महत्वपूर्ण विशेषता माना है, और डॉक्टर सक्सेना ने जाति को एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना है, और डॉक्टर एन के दत्ता ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में जाति के संरचनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए 6 विशेषताएं बताई है। जाति जन्मजात होती है, जाति में खान पान संबंधी नियम पाए जाते हैं, जातियों में व्यवसाय निश्चित होते हैं, अंतर्विवाही होते हैं, जाति में ऊंच नीच एवं छुआछूत के नियम होते हैं, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। तो ये बहुत सारे जाति की विशेषताएं दिया गया है, जाति क्या होता है ये सारा चीज आपको यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि केतवर ने दोस्तों अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, तो ये सारी पुस्तकें आपको यहाँ से नोट करना है, उनका जो कथन है वो भी नोट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो केतवर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में 2 विशेषताएं बताई, क्या, तो जन्मजात सदस्यता और जाति अंतर्विवाह, ठीक है। और मैक्स बेवर ने 4 विशेषताएं बताई है जाति की, एक अंतर्विवाह, ऊंच नीच का संस्करण, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध, निश्चित नाम बताइए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भी हैं जो जाति की विशेषताएं बताए हैं। कुछ कुछ और यहाँ पर दिया गया, जैसे हट्टन ने 3 विशेषताएं दिए हैं कि एक तो दिया है व्यवसाय का अनुवंशिक रूप, विवाह, खान पान, सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध एवं ऊंच नीच की व्यवस्था। और मेगास्थनीज ने 2 विशेषताएं बताए हैं कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर आधारित होती है एवं अंतर्विवाह बताया है, किसने, तो मेगास्थनीज ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है आपको जाति की विशेषता, ठीक है। तो जाति के बारे में समझ लिए, उसकी विशेषता के बारे में समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है, फिर वर्ग की विशेषता को देखेंगे, है ना। चलिए वर्ग को देखते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर कर लेना है। वर्ग के बारे में कह रहा है कि भारतीय समाज के संदर्भ में प्राचीन काल में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जाति व्यवस्था होती थी, किंतु कालांतर में जब भारतीय समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लगा तब जाति व्यवस्था के साथ वर्ग व्यवस्था का जन्म होने लगा, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है वर्ग व्यवस्था, जैसे जैसे वर्ग व्यवस्था होती जा रही है वैसे वैसे जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है, है ना। जाति अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, अब क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है दोस्तों। समाज शास्त्र में वर्ग की अवधारणा को अर्जित परिस्थिति के आधार पर जोड़ा गया है जाता है, और यह समझा जाता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में एक ऐसी प्रक्रिया करने वाले धन तथा संपत्ति की दृष्टि से एक जैसे स्तर वाले तथा समान जीवन शैली वाले लोग एक वर्ग के माने जाते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक वर्गों की धारणा और इसकी संरचना की कसौटियों का कोई वस्तुपरक और वैज्ञानिक आधार नहीं है। वर्ग और जाति को सामाजिक स्थिरीकरण के 2 आधार मानते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है और वर्ग एक खुली जाति है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ समाजशास्त्रियों ने ये बात बोला है जाति और वर्ग के बारे में। अगला पॉइंट है कि सामाजिक वर्ग की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। तो वेबर ने क्या कहे हैं, वेबर ने वर्ग को एक परिस्थिति समूह माना है और एक वर्ग के लोगों की परिस्थितियां समान होती है। वर्ग एक श्रेणी समूह है। वर्ग जाति की भांति एक बंद व्यवस्था न होकर खुली व्यवस्था होती है, ये ध्यान रखना है, है ना। कि वर्ग जाति जो होता है एक मतलब अपने जिस कास्ट से है उसी में पूरा वो बंधा हुआ है, बंद है, उसी में शादी कर सकता है, उसी में खान पान कर सकता है, उसी में सब चीज कर सकता है। लेकिन जो वर्ग है वो क्या है, एक खुला है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें जन्म का महत्व नहीं होता है,
पूर्णतया अर्जित होती है, कम स्थिर होता है। मैक्स वेबर के अनुसार एक वर्ग के लोगों के जीवन अवसर समान होते हैं, वर्ग भी कई उपवर्गों में बटा है। वर्ग वस्तु परक विशेषता होती है, एकता को पहचानने एवं दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है, जैसे मकान का प्रकार, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन का तरीका, ये सभी क्या है तो वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों वीरस्टीड ने, है ना, वीरस्टीड क्या है तो ये एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि वीरस्टीड ने वर्गों के निर्धारण के 7 आधार बताए हैं, तो ये आपको लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे कि संपत्ति के आधार पर वर्ग में बांटा गया है, धन के आधार पर, परिवार के आधार पर, नातेदारी के आधार पर, निवास स्थिति के आधार पर, निवास की अवधि के आधार पर, है ना, व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो ये किसने बांटे हैं, वीरस्टीड महोदय के द्वारा। अब है कि सामाजिक वर्ग के प्रकार के बारे में, अब देखते हैं कि सामाजिक वर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कह रहा है कि बाटोमोर ने 4 प्रकार, याद रखना है ये बाटोमोर एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने 4 प्रकार जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग में बांटे हैं, ठीक है। और डिगिन्स ने 3 प्रकार में सामाजिक वर्ग को बांटा है, जैसे ये तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, है ना, और कह रहा है कि इसके पास शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता है, उसको मजदूर वर्ग बताया है। और कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर 2 प्रकार में बांटा है, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा सामाजिक समाज को 2 भाग में बांटा गया है, एक पूंजीपति है और एक श्रमिक है। और वेबर ने 4 प्रकार में बांटा है दोस्तों, ठीक है, वेबर महोदय ने हमारे सामाजिक समाज को 4 भाग में, एक तो धनी वर्ग है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है, एक परंपरागत निम्न वर्ग है और एक मजदूर वर्ग है। पैरोटो ने 2 प्रकार में बांटा है, एक विशिष्ट वर्ग, शासन वर्ग, और 2 प्रकार विशिष्ट वर्ग, शासन वर्ग और अशासक विशिष्ट वर्ग एवं अविशिष्ट वर्ग बताए हैं। आंद्रे बेतई ने दोस्तों भारतीय नगरों में 3 वर्गों की चर्चा की है, एक उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। आंद्रे बेतई के अनुसार पश्चिमीकृत या अभिजात वर्ग गठबंधन में जाति गठबंधन की तुलना में आर्थिक महत्वपूर्ण है। इनका यह त्रिस्तरीय मॉडल है जो वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का शुद्ध रूप है। वर्ग को सामाजिक आधार पर ऑगबर्न, नीमकॉफ, मैकाइवर और पेज, गिलबर्ट, गिस्बर्ट, इन सभी चीज़ों ने बांटा है। आगे है कि वर्ग का आर्थिक आधार पर निर्धारण मार्क्स, वेबर और गोल्डनर ने किया है। सामाजिक आधार पर किसने किया था तो ऑगबर्न ने, नीमकॉफ ने, मैकाइवर ने, पेज ने, गिस्बर्ट ने। आर्थिक आधार पर किसने बांटा, मार्क्स ने, वेबर ने और गोल्डनर ने। और सांस्कृतिक आधार पर किसने बांटा दोस्तों, लैपियर, गिन्सबर्ग, ओल्सन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सामाजिक आधार पर किसने बांटा है और आर्थिक आधार पर किसने बांटा है, सांस्कृतिक आधार पर किसने बांटा है हमारे समाज को। आगे है कि शहरी संरचना के संबंध में चर्चा करें तो पता चलता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रारंभ वाणिज्यिक कार्यक्रमों, नीतियों आदि ने औद्योगिक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग और लघु दुकानदार वर्ग को जन्म दिया है। इनके साथ साथ क्रमिक वर्ग का समाज में मुख्य स्थान है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में श्रमिक अर्थव्यवस्था की संकल्पना को स्वीकार किया गया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण पूंजीपतियों के स्वामित्वधीन और उनके द्वारा नियंत्रित उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण व्यापारियों का एक नया वर्ग तैयार हुआ और इसका नुकसान यह हुआ कि व्यापारिक गतिविधियों का संकेंद्रण देय के कुछ प्रतिष्ठित घरानों तक ही सिमट गया। और सेलिग हैरिसन ने अपनी पुस्तक इंडियन मोस्ट डेंजरस डिकेड्स, है ना, ये पुस्तक आपको ध्यान रखना है, किनकी पुस्तक है, सेलिग हैरिसन ने, है ना, इंडियन मोस्ट डेंजरस डिकेड्स में क्या कहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक बात है कि देश की संपत्ति बहुत बड़ा भाग बिड़ला, टाटा, बजाज, अंबानी आदि के हाथों में सिमट गया है।
ठीक है, अब क्या कीजिएगा, वही चल ही रहा है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की ग्रामीण और शहरी संरचना में विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ है। यद्यपि विभिन्न आधारों पर इन वर्गों की आलोचना भी की गई है, तथापि ये सभी वर्ग समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, सभी वर्ग किसी न किसी रूप में हमारे समाज में योगदान दे रहे हैं, लेकिन जो ये विभेद हो रहा है वो भी धीरे धीरे करके अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे। इसके बाद हम कल इसके आगे देखेंगे भारतीय समाज में समावेशन अपवर्जन में जेंडर आधारित स्वरूप को। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा चीज़ है ना, उसके बाद इसको समाप्त किया जाएगा। लिंग की सामाजिक अवधारणा और नारी शरीर, लिंग की सामाजिक अवधारणा हो गया, उसके अलावे नारी शरीर है, समाज में लिंग केंद्रीकरण है, समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा है, बहुत सारे इसमें पॉइंट है, लिंग आधारित समाजीकरण के प्रारूप और नारी पर कुछ विशेष गुणों का आरोपण, सामाजिक स्त्रीकरण, भूमिका का निर्धारण, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से होगा मैं आप लोग को बताते चलूँगा। ठीक है, उसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, है ना। बाकी मैं इसको एक बार रीडिंग कर दूंगा, आप इसको आराम से ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, ये सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। दिव्यांगता के प्रकार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं अगले क्लास में इसको समझा दूंगा, है ना, बता देंगे। और फिर हम लोग इसका टेस्ट भी लास्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी महत्वपूर्ण इसका कर लेंगे, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज कुछ ज़्यादा क्लास लंबा नहीं लेंगे, है ना। फिर इसका कल कुछ होगा, है ना, तीन पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए न्यू बैच शुरू हो रही है 1 अप्रैल से दोस्तों, अगर इसमें आपको सभी लोग इसमें जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, इसमें पीछे वाले क्लास भी आपको मिल जाएगा, और नई क्लास जब शुरू होगी 1 तारीख से तो फिर आपको शुरुआत से मिलेगा, है ना, DLED और समान अध्ययन दोनों का। ठीक है, अगर नए टीचर जुड़ना चाहते हैं तो इसमें मात्र 399 चार्ज लगेगा, और पुराने टीचर के लिए मात्र 201 रुपया चार्ज लगेगा। फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आपको पे करके इसमें जुड़ना होगा, है ना। जो लोग भी पे करेंगे इस नंबर पे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप में आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज इसका था पार्ट 1, है ना, चैप्टर यूनिट नंबर 7 का दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, एक बार इसको जरूर रीडिंग दीजिएगा। ठीक है, एक बार रीडिंग इसको जरूर दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप अंडरलाइन कर लेना है, नोट कर लेना है, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।